हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू vibrantvarsha.com। आज की रेसिपी बहुत ही डिलीशियस है और टेस्टी है और इससे आपका फास्ट वेट लॉस होगा। ये है एक डिटॉक्स स्मूदी। नेचुरल क्लींजिंग या नेचुरल डिटॉक्स अगर आप सोच रहे हो कि करना चाहिए, तो आपके रेगुलर डाइट में जब भी आपको अगर डिटॉक्स करना है बॉडी को, आपके टॉक्सिन्स को रिमूव करना है, तो ये स्मूदी को आप जरूर ऐड कीजिए। तो चलिए बनाते हैं ग्रीन स्मूदी फॉर फास्ट वेट लॉस। आज की हमारी जो ग्रीन डिटॉक्स स्मूदी है, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है स्पिनच। मैंने यहाँ पे स्पिनच के 20 लीव्स लिए हैं और इसे अच्छे से वॉश करके लिया है। आप चाहे तो इसे ब्लांच करके भी ले सकते हो। आप इसे बिल्कुल रिप्लेस मत कीजिए। ग्रीन डिटॉक्स स्मूदी बनाते हो तो इसे जरूर ऐड कीजिए। स्पिनच में जो इनसोल्युबल फाइबर है, यही मेन एलिमेंट है स्पिनच का, जो हमारे वेट लॉस को फास्ट करता है। हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है कुकुम्बर। कुकुम्बर क्या करता है? कुकुम्बर इज लो इन कैलोरीज और 90% कुकुम्बर में वाटर रहता है और ये बेस्ट है फॉर द वेट लॉस। तो इसे भी आप रिप्लेस बिल्कुल मत कीजिएगा। मैंने 1 कुकुम्बर लिया है यहाँ पे। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैंने यूज किया है डिटॉक्स स्मूदी में वो है ग्रेप्स। आप ग्रेप्स को रिप्लेस करके पाइनएप्पल भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, या स्ट्रॉबेरीज ले सकते हो, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक बहुत खट्टा मीठा टेस्ट देगा हमारे स्मूदी को। जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है एप्पल। मेरे पास ग्रीन एप्पल नहीं था, इसलिए मैंने नॉर्मल एप्पल लिया है। अगर आपके पास ग्रीन एप्पल रहेगा तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या आप ऑरेंज वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स एंड इसे खाने से आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। सॉल्ट, यहाँ पे मैंने पिंक सॉल्ट डाला है, ये टेस्ट भी लाएगा स्मूदी में। और मैं लेमन को स्क्वीज कर रही हूँ, 1/4 लेमन मैंने लिया है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। समर है इसलिए मैंने यहाँ पे आइस का यूज किया है। आप चाहे तो ठंडा पानी यूज कर सकते हो, और अगर ठंडा नहीं इस्तेमाल करना है तो आप नॉर्मल वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। सारे इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो लीजिए, हमारी ग्रीन स्मूदी रेडी है। चाहे तो आप इसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके भी ले सकते हो। और इसे मैं गार्निश कर रही हूं चिया सीड्स से।